हरियाणा के बॉर्डरों के ऊपर आंदोलन चलते हुए 31वां दिन हो गया है, जो गलत दो फोरमों ने बड़े निर्णय ले लिए हैं। एक तो हम भाजपा गठजोड़ से हर गांव गली कूचे में सवाल पीसफुली ढंग से करेंगे, क्या देश की राजधानी में जाके आंदोलन करना ये गुनाह है? क्या एमएसपी लीगल गारंटी कानून और मांगों की मांग करना गुनाह है? तो इसलिए क्या हमारे शहीद शुभकर्ण सिंह जी को गोली मारी गई, हमारे नौजवानों के बाजू में आंखों में और जांघों पे गोली मारी गई, 500 के करीब हमारे किसान मजदूर जख्मी किए गए? तो ये सवाल होगा कि हमारा क्या कसूर था। और इसी के साथ साथ अगर भाजपा गठजोड़ ने गांव में गली में कूचे में हमें सवाल करने का मौका दिया, सवाल जवाब हुए, ठीक है, अगर ये मौका भी वो नहीं देंगे तो फिर हम काले झंडों से अपना विरोध दर्ज कराएंगे पूरे देशभर में भाजपा गठजोड़ के खिलाफ। और इसी के साथ कल बल्लो गांव, जहां शहीद शुभकर्ण सिंह जी का अपना पैतृक गांव है, जहां उनका संस्कार हुआ, वहां से कलश लेकर भरकर इन दोनों बॉर्डरों पर आया जाएगा। और 16 से जो उनकी कलश की यात्रा है हरियाणा के गांव गांव में शुरू होगी। तो एक बड़ी जो शहीदी समागम है वो हरियाणा में 22 को होगा, और इसके बाद 31 को जो मौड़ा मंडी अंबाला में हम ये शहीदी समागम करेंगे। और इस तरह से पूरे देश भर में बड़ी बड़े शहीदी समागम और महारैलियां की जाएंगी, और पूरे देश भर में ये कलश यात्रा निकाली जाएगी। और आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार मांगे मान नहीं लेती। धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम खबरों नाल जुड़े रहने लिए सबसक्राइब करो यूट्यूब ते सच कहूं पंजाबी चैनल। इस दे नाल ही बैल आइकन दब के पाओ लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला।